हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 8 बजे की हमारी आठवीं बड़ी स्टोरी का रुख कर लेते हैं, जो कि कोरोना के साइड इफेक्ट्स को लेकर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल सर्वे फर्म इप्सोस ने भारत में नौकरियों के खतरे को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं, वो बेहद डराने वाले हैं। आप अपने व्यवसाय, अपने उद्योग में अपने साथ काम करे लोगों के प्रति संवेदना रखे, किसी को नौकरी से न निकाले। कोरोना लॉकडाउन के बीच राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कंपनियों से अपील की थी कि किसी कर्मचारी को नौकरी से न निकाले, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं। कितनों की नौकरी लेगा कोरोना? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी और इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाओं के रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन में लगभग 13 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनमें 40% यानी करीब 5.25 करोड़ लोग ब्लू कॉलर जॉब वाले थे, जो निजी ऑफिसों में नौकरी करते थे। यही वजह है कि जून में बेरोजगारी दर 10.18% तक पहुंच गई थी और सितंबर में भी 6.67% बनी हुई है। अक्टूबर के आंकड़ों का इंतजार है। इस रिपोर्ट के बीच एक और बुरी खबर आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और ग्लोबल सर्वे फर्म इप्सोस की रिपोर्ट से। दुनिया के इन नामी गिरामी संस्थाओं ने कहा है कि भारत के 57% लोगों को अगले 12 महीने में नौकरी चले जाने का डर है, यानी अगला एक साल नौकरी पेशा भारतीयों के लिए बेहद चिंता बढ़ाने वाला है। हालांकि सर्वे में शामिल 2/3 लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि उन्हें अपनी पुरानी कंपनी में वापस काम पर रख लिया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इप्सोस कह रहा है कि कोरोना चला भी जाएगा तो भी अगले एक साल में भारत में लाखों लोगों की नौकरियां खत्म कर देगा। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि कोरोना की वजह से भारत की जीडीपी दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले सबसे तेजी से गिरी है, जिससे उबरना साल भर के अंदर मुश्किल लग रहा है। रिजर्व बैंक ने पिछले दिनों जीडीपी के -23.9% तक गिरने का अनुमान जताया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इप्सोस द्वारा भारत समेत 27 देशों के 12,340 लोगों पर ये सर्वे किया गया है, जिसमें साल भर के अंदर 54% लोग नौकरी जाने के डर से डरे हुए हैं। इनमें 17% लोग बहुत ज्यादा भयभीत है, जबकि 37% लोग ऐसे हैं जो डरे तो हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं जो होगा सो देखा जाएगा। कोरोना के संकट की वजह से नौकरी जाने की चिंता रूस में सबसे ज्यादा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में साल भर के अंदर 75% तो अमेरिका में 36% लोगों की नौकरियां जाने का खतरा है।